हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी सूप रेसिपी। इट इज़ चिकन हार्ट एंड स्टार सूप। ये बहुत हेल्दी सूप बनकर आता है एंड एवरीवन वुड लव टू हैव दिस इन विंटर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। सो शुरू करते हैं हम अपना सूप बनाना। सो मैंने लिए हैं 150 से 200 ग्राम चिकन विंग्स के पीसेस। आप चाहें तो कोई भी चिकन के पीस ले सकते हैं, हमें इतना वेट के ही लेने हैं। सो इसको हम बॉयल करेंगे। 2 से 3 ग्लास मैंने पानी के चढ़ा दिए हैं कुकर के अंदर, साथ में अपने चिकन के पीस मैं डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट के, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। साथ में मैंने डाला है 1/2 चम्मच नमक का। सो इसको अब हम कुकर को बंद कर देते हैं, विसल दिलाएंगे हम 3 से 4 विसल में अच्छे से बॉयल हो जाएगा हमारा चिकन। सो इट्स क्लोज नाउ और हमारी विसल अब हो चुकी हैं। आफ्टर विसल्स आप देख सकते हैं हमारे जो चिकन विंग्स हैं अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। सो जितने भी हमारे पीसेस हैं इसको अब हम निकाल लेते हैं। सो मैं पीसेस को निकाल देती हूँ एंड ये जो बचा हुआ स्टॉक हमारा अब रह गया है इसके अंदर मैं डालूंगी वेजीज। आप चाहें तो कोई भी वेजीज डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाली हैं 1 कप मटर के, साथ में मैं डाल रही हूँ गाजर, मैंने रफली चॉप कर लिए हैं इस तरीके से, 1 कप ये डाल दिए। आप चाहें तो कॉर्न भी डाल सकते हैं, कॉर्न से भी बहुत टेस्टी सूप बनता है। सो इसको अब हम एक विसल दिलाएंगे, एक विसल में अच्छे से ये मशी हो जाएंगे। सो ये जो चिकन के विंग्स मैंने निकाले थे बॉयल हो गए हैं। सो बोन्स हम इसकी साइड कर देंगे, फ्लैश हम एक तरफ रख देंगे। सो इसको हम इस तरीके से निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोक। सो इसको अब हम निकाल लेंगे रेस्ट ऑफ द पीसेस को अच्छे से। सारे फ्लैश अलग और बोन्स अलग हो गई हैं इसमें एंड इस जो पीसेस हमने बनाए हैं ये जो फ्लैश हमारा निकला है इस तरीके से हम इसको स्ट्रिंग की तौर पे कर देंगे ताकि सूप में बहुत अच्छे लगते हैं। ये अच्छे से श्रेडेड हो गया है जो स्ट्रिंग में हमने एक बना दिया है। सो 1 कप मैंने लिया है, इस कप खाली कप में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, 2 कॉर्नफ्लोर चम्मच डाल दिए मैंने। साथ में मैं 2 से 3 चम्मच पानी के डालूंगी, इसका मैंने मिक्स बना लिया है कॉर्नफ्लोर मिक्स। सो ये रेडी हो गया, इसको हम साइड में रख देते हैं। सो अब हमने लेंगे एक मैंने एग लिया है, इसको ब्रेक कर लिया है मैंने। साथ में मुझे इसका सिर्फ वाइट पोर्शन चाहिए, सो मैंने किस तरीके से अलग कर दिया है। सो ये वाइट योक मुझे चाहिए जो मैं अपने सूप में मिक्स करूंगी, अभी आप देखेंगे। इसको मैं अच्छे से विस्क कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ फोक। सो इसको भी अब हम साइड में रख देते हैं। सो मेरी वेजीज बॉयल हो चुकी है, विसल हमारी एक आ चुकी है। सो इसी के अंदर देख सकते हैं कितने अच्छे से हो गई हैं बॉयल ये। सो इसी के अंदर हम अपनी श्रेडेड चिकन जितना भी है हमारा फ्लैश इसके अंदर डाल देंगे, चिकन के हमने डाल दिए हैं। अब नमक डाला है मैंने 1/2 चम्मच, साथ में काली मिर्च मैं डालूंगी, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टेबल स्पून, आप 1/2 चम्मच भी डाल सकते हैं जैसे आपको टेस्ट अच्छा लगता है। सो अब मैं डालूंगी सोया सॉस 1 चम्मच, इसकी वजह से ही हमारा सूप हॉट एंड सार बन जाता है। सो बहुत टेस्टी फ्लेवर आ जाता है, आप देख रहे हैं कलर कैसा चेंज हो चुका है अच्छे से। सो नाउ दिस इज़ अ मेजर इंग्रेडिएंट एग, इसको मैंने डाल दिया है, इसी से ही हमारा जो है फट जाता है। आप देखते हैं ना किस तरीके से वाइट हो जाता है हमारा चिकन सूप, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग ओनली। सो साथ में हम कॉर्नफ्लोर मिक्स जो मैंने प्रिपेयर किया है वो डाल देते हैं। सो हमारा चिकन सूप हेल्दी रेडी है, बस इसको हमने उबाला दिला देना है 3 से 4 मिनट के लिए, अच्छे से ये उबल जाएगा और जैसे ही उबल जाएगा हमारा चिकन सूप रेडी है। सो अब देख रहे हैं कैसे उबाला आ चुका है, इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर यू नो everyone इन winters. सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगा ये हेल्दी चिकन सूप। मैंने वेजीज डाल के बनाया है, बहुत मज़ेदार। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगेन आई एम सेइंग इफ यू हैव नॉट डन अर्लियर, एंड प्लीज ट्राई दिस रेसिपी एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लाइकिंग एंड फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।